हेलो एवरीवन, मैंने 3 months में क्लोज टू 20 kg वेट लूज किया था, जिसके लिए बहुत ही अच्छे से डाइट और एक्सरसाइज की। बट सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से काम कहाँ बनता है भैया। इस टाइम पे मैंने बहुत सारे हैक्स, ट्रिक्स, टिप्स फॉलो किए थे, जो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर 30 हैक्स फ्रॉम माई वेट लॉस जर्नी, फ्रॉम माई ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी विद यू। इनमें से हो सकता है 30 के 30 आपके काम आए, हो सकता है 15-20 में ही आपका काम बन जाए, हो सकता है कोई एक हैक आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं हैक नंबर 1 से। गाइज, आई एम अ बिग फूडी। मैं तो ऐसी हूँ जैसे सपने में भी फूड ही दिखाई देता है, और आपकी तरह मेरा भी मूड फूड से लिंक्ड है। अच्छा खाना खा के मेरा मूड और मेरी तबीयत दोनों परफेक्ट हो जाती है। अगर आप भी इस बात से खुद को रिलेट कर सकते हो तो आप भी ना आज ही क्रेविंग लिस्ट बना लो। एग्जैक्टली यही मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी में किया था। डाइट फॉलो करना इतना आसान नहीं है, कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, क्रेविंग्स होती हैं, और इसीलिए मैंने एक क्रेविंग लिस्ट बनाई। जब भी मेरा मन बावला होता था, कोई खाने की चीज सताती थी ना, उसी टाइम मैं उस क्रेविंग लिस्ट को खोलती थी और उसमें उस फूड आइटम को लिख लेती थी। और ये डिसाइड किया था कि इस जर्नी खत्म होने के बाद जब मैं अपना गोल अचीव कर लूंगी ना, तो इस लिस्ट को खोलूंगी और जो मन करेगा वही खाऊंगी। और ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि देखो जब हमारे माइंड में कुछ खाने का ख्याल आता है ना, तो वो डिश बार बार हमारे माइंड में आती है, तब तक जब तक कि हम उसे खा नहीं लेते। इसलिए जब एक बार हम उसे उस लिस्ट में डाल देते हैं ना, तो वो बार बार माइंड में आना बंद कर देती है, और इसलिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। चलते हैं हैक नंबर 2 पे। इमेजिन करो कि आप अपनी शादी के कपड़े पहन के सो रहे हो, या फिर बाथरूम में अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहे हो। फनी राइट? हमें पता है कि हम सिचुएशन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, बिकॉज हमारे अटायर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, इम्पैक्ट होता है, और यही अटायर हमारे एक्टिविटी लेवल्स को भी अफेक्ट करता है। इसीलिए अगर आप जैसे कपड़े पहनोगे आप वैसा ही बिहेव करोगे। एक्टिव वियर पहनोगे तो आप एक्टिव रहोगे, और यही सीखा मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। आई यूज टू वियर लेगिंग्स, शर्ट एंड शूज, जिससे मैं हमेशा एक्टिव रहती थी, और एट द एंड ऑफ द डे मेरी एक्टिविटी लेवल्स अपने आप बढ़ जाते थे। सो आप भी आज से एक्टिव क्लोथ्स पहनना शुरू कर दो। चलते हैं हैक नंबर 3 पे। जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे थी, तो एक चीज जो हमेशा मेरे साथ थी वो थी मेरा प्लान, माय मील प्लान, और उसे मैं धर्म की तरह फॉलो करती थी, कभी भी उसे अनफॉलो नहीं करती थी। और मील प्लान होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बिकॉज जब आप पहले से ही अपने मील्स की प्लानिंग करोगे, अपना मील प्री प्लान करोगे, तो आप उसे बहुत ही थॉटफुली डिजाइन करोगे। आप उसके अंदर वो सारी चीजें डालोगे जो आपको पता है आपके लिए सही है, हेल्दी है, उसके अंदर जंक कम से कम रखोगे। सो मील प्लान हेल्प्स यू इन माइंडफुल ईटिंग। बट अब मील प्लानिंग करनी कैसे? आपको अपने नेक्स्ट वीक का पूरा प्लान पहले से ही तैयार रखना है। आपको जो चीजें पसंद है आप उसके अंदर डालो। अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो सबकी फूड चॉइसेस का ख्याल रखो। क्वांटिटी हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगी, हर इंडिविजुअल की एक्टिविटी लेवल्स पे डिपेंड करेगी। सो कैलोरी आप अपने हिसाब से लो, बट मील प्लानिंग की फूड आइटम्स को आप प्री प्लान्ड रखो। कोशिश करो कि एक बैलेंस्ड मील हो, मतलब उसके अंदर कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, सारी चीजें, और अपने पास्ट से सीखो। मान लो आपने इस हफ्ते एक मील प्लान बनाया, बट आप उसको पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाए, सो एनालाइज, लर्न कि व्हाट वेंट रॉन्ग, और उन गलतियों को नेक्स्ट टाइम सुधारो, उनको करेक्ट करके बेटर मील प्लान बनाओ। एंड गाइज, अगर आपका कोई स्पेसिफिक फिटनेस गोल है जिसके लिए आप एक्सपर्ट से मील प्लानिंग करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप IIM Bhau के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, जिसमें मेरे सर्टिफाइड डाइटिशियंस आपको आपकी मील प्लानिंग और साथ में एवरी वीक काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट हैक पे। ओके, सो व्हेन आई वाज ऑन माय वेट लॉस जर्नी, तो मेरा एक गोल था हर रोज कम से कम 4 लीटर पानी पीने का। और इस गोल को मीट करने के लिए मैं सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पी के अपने दिन की शुरुआत करती थी। बट व्हाइल डूइंग दिस मैंने रियलाइज करा कि इसके तो भैया बहुत सारे फायदे हैं। जब आप सुबह उठते ही एक ग्लास पानी, स्पेशली अगर हल्का सा वार्म वाटर लेते हो, तो इससे आपकी मॉर्निंग टी एंड कॉफी की आदत बहुत इजीली छूट जाती है। सुबह उठ के पानी पीने से बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं, बोवल मूवमेंट्स रेगुलेट होती हैं, तो डाइजेशन भी बिगिन हो जाती है। सो पानी पीने के बाद मैं मॉर्निंग ड्रिंक भी लेती हूँ, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि लेमन वाटर, फेनल सीड वाटर, चिया सीड वाटर, एंड दीज आर लाइक जस्ट एन एड ऑन। सो द टिप इज टू स्टार्ट योर डे विद वाटर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट हैक। सो यहाँ मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो बचपन में मेरे पापा ने मुझे सुनाई थी। एक बार कुछ लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, अब किसी एक इंसान को वॉशरूम जाना होता है, पर उसे अपने साथ बैठे इंसान पे ना शक होता है। वो बोलता है यार ये ना मेरा सामान चोरी कर लेगा, तो वो क्या करता है, वो उसी इंसान को बोलता है कि भाई मेरे ना सामान का ख्याल रखियो, कहीं कोई चोरी ना कर ले। सो बेसिकली वो उसी चोर को चौकीदार बना लेता है, और यही एग्जैक्टली आपको करना है अपने साथ। अपने अंदर बैठे शैतान बच्चे को ही क्लास का मॉनिटर बना लो, क्योंकि वो बाकियों को मॉनिटर करते करते खुद को तो मॉनिटर कर ही जाएगा। सो द हैक इज टू इंस्पायर अदर्स, टू मोटिवेट अदर्स, एंड टू मेक अदर्स अवेयर ऑफ अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। जब आप औरों को ज्ञान बांटोगे,
तो खुद तो आप उसको फॉलो करोगे ही, बट अब औरों को ज्ञान बांटने के लिए पहले आपको तो ज्ञान होना चाहिए ना। वो कहाँ से आएगा वो पता चलेगा नेक्स्ट हैक से। अच्छा, क्या आप टीवी देखते हो, मूवीज, सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज, बुक्स पढ़ते हो, फिक्शन या फिर सेल्फ हेल्प वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप जो भी देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, ये सब चीजें आपकी लाइफ को किसी ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं। तो आप जो भी देखोगे, जो भी पढ़ोगे, उसका इन्फ्लुएंस आप पे होगा। सो द हैक इज रीड एंड वॉच फिटनेस रिलेटेड कॉन्टेंट, एंड दिस इज वॉट आई यूज टू डू। जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी कवर की तो मेरा ऑटोमेटिकली फिटनेस में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और इसी के थ्रू मैंने कुछ सीरीज एंड मूवीज ऐसी देखी जिनसे ना ही सिर्फ मुझे इंस्पिरेशन मिली बट मेरी नॉलेज भी बढ़ी, मेरी अवेयरनेस भी हुई। सो हियर आर सम सजेशंस व्हिच यू कैन ऑल्सो वॉच। गाइज, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट योर ओन हेल्थ, अबाउट योर ओन बॉडी, एंड यू डिजर्व टू नो अबाउट इट। अगर आप इस तरह की चीजें देखोगे, पढ़ोगे, तो आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी एंड यू डिजर्व टू बी मोर अवेयर अबाउट योर सेल्फ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट हैक। जब आप ड्राइव पे जाते हो तो आप उस ड्राइव को म्यूजिक के साथ ज्यादा एंजॉय करते हो ना, सिमिलरली आप अपने वर्कआउट को भी म्यूजिक के साथ ज्यादा एंजॉय करते हो। सो द हैक इज टू प्ले योर फेवरेट अपबीट म्यूजिक व्हाइल डूइंग द वर्कआउट। सो जब मैंने स्टार्टिंग में वर्कआउट करना शुरू किया तो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता था। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने अपना फेवरेट पंजाबी म्यूजिक प्ले करके वर्कआउट करना स्टार्ट किया, जिससे ना ही मुझे वर्कआउट करने में मजा आने लगा बट मेरा स्टैमिना भी इंप्रूव हुआ। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट कि हम जैसा म्यूजिक सुनते हैं हमारा मूड भी वैसा हो जाता है। अरिजीत सिंह सुनते हैं तो रोमांटिक हो जाते हैं, पेट्रियोटिक म्यूजिक सुनते हैं तो देशभक्ति जाग जाती है, मोटिवेशनल अपबीट म्यूजिक सुनते हैं तो हम अपने आप मोटिवेटेड फील करते हैं। सो अगर आप भी अपबीट एंड कैची म्यूजिक सुनते वक्त अपना वर्कआउट करोगे तो आपको अपनी परफॉर्मेंस में डिफरेंस नजर आएगा और आपका हर रोज वर्कआउट करने का मन करेगा। गाइस, दीज आर सम सॉन्ग्स जिनको सुनते हुए मैं अपना वर्कआउट करती हूँ। आई सजेस्ट कि आप भी आज ही अपनी प्लेलिस्ट बनाओ। किस गाने पे आप वर्कआउट करना पसंद करते हो मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताओ। चलते हैं नेक्स्ट हैक पे। अब ये वाला हैक सुन के आप सोचोगे कि हम तो वेट लॉस टिप्स के लिए आए थे या हमें डेंटल केयर टिप्स क्यों मिल रही हैं? बट द हैक इज टू ब्रश योर टीथ आफ्टर योर मील, और ऐसा करने से हमारा खाना खाने के बाद मीठा खाने की क्रेविंग भी खत्म हो जाती है। बेसिकली इट्स अ साइकोलॉजिकल ट्रिक। जब हम ब्रश कर लेते हैं तो हमारी बॉडी एंड माइंड को सिग्नल जाता है कि भाई आज का हो गया। एंड टूथपेस्ट टेम्परेरीली अफेक्ट्स आवर टेस्ट बड्स, जिससे हमें खाना भी थोड़ा कम अपीलिंग लगता है। चलते हैं अगले हैक पे। एक चीज जो मैंने हमेशा फॉलो की और आज भी करती हूँ वो है आई एंजॉय एवरी मील दैट आई ईट। यहाँ पे आपको एक ऑनेस्ट चीज बताती हूँ। जब मैं अपने डाइट प्लान पे थी तो ऑफकोर्स मैं ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा सकती हूँ, कभी भी खा सकती हूँ। सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू चेरिश द मील दैट आई एम हैविंग, एंजॉय टू द फुलेस्ट। दिस इज वाई तभी से मेरी आदत पड़ी कि मैं अपने हर मील को, हर बाइट को पूरी तरह चेरिश करके खाती हूँ। मेरे हस्बैंड हिमीश को टीवी देखते हुए खाना पसंद है और मुझे खाने को एंजॉय करते हुए खाना पसंद है। सो आई सजेस्ट कि आप अपने मील को पूरी तरह एंजॉय करो और एक एक बाइट को चेरिश करके खाओ। बट हाउ विल दिस हेल्प इन वेट लॉस? यू नो व्हाट, जब आप डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग करते हो, फोन देखते हुए खाना खा रहे हो, काम करते हुए खाना खा रहे हो, बातें करते हुए खाना खा रहे हो, तो आप जनरली ओवर ईट कर जाते हो। बट जब आप फोकस्ड ईटिंग करते हो तो आप माइंडफुल ईटिंग करते हो, एंड इट्स अ फैक्ट। Let's move towards the next hack. Listen, when it comes to weight loss, at the end of the day, it's always the total calories that you eat. So only eat when you feel hungry, when you feel like eating. कई बार हम सिर्फ इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें खाना है, क्योंकि सब खा रहे हैं, क्योंकि टाइम हो गया। बट अगर हमें भूख नहीं है तो जबरदस्ती आप अपने आप को फोर्स मत करो। When I was on my weight loss journey, this is what I did. अगर मुझे भूख नहीं है तो I will rather save on those calories and eat them later. बट ऐसे में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली आपको तब तक वेट नहीं करना जब तक आपको बहुत ज्यादा भूख ना लग जाए, बिकॉज ऐसे में भी ओवर ईटिंग होती है। जस्ट डोंट हैव टू ईट व्हेन यू आर नॉट फीलिंग हंग्री, यू डू नॉट हैव टू स्टार्व योरसेल्फ। सेकेंडली, भूख का इंतजार करते करते ये भी नहीं हो कि आपका रोज खाने का टाइम बार बार चेंज हो रहा है, बिकॉज दैट इज अगेन नॉट गुड फॉर द डाइजेशन। सो प्लीज टेक दिस स्टेटमेंट वेरी वेरी वाइजली दैट ओनली ईट व्हेन यू फील हंग्री, डोंट फोर्स योरसेल्फ टू ईट, रादर सेव दोस कैलोरीज फॉर लेटर। And at the same time, know when to stop, which is our next hack. ऐसा नहीं कि अब तो ले लिया, अब तो खाना ही पड़ेगा। पेट भरने के बाद अगर आप उस खाने को जबरदस्ती खा रहे हो तो आप सिर्फ खाने का ही नहीं अपनी हेल्थ की भी इंसल्ट कर रहे हो। So I always say that instead of throwing the food inside, it's better to keep it outside. याद रखना, एक समझदार इंसान तब तक खाता है जब तक उसे भूख लगती है, और बाकी के लोग तब तक खाते हैं जब तक वो फुल नहीं हो जाते। चलते हैं नेक्स्ट हैक पे। हमारी कैलोरीज सिर्फ तब नहीं बर्न होती जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं। हमारी कैलोरीज तब भी बर्न होती हैं जब हम अपने काम करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, हम अपनी गाड़ी साफ करते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, खाना बनाते हैं,
कुछ भी करते हैं तो हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं, हर एक्टिविटी से हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं। सो द हैक इज टू स्टे मोर एक्टिव। और मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान भी बहुत सारी ऐसी चीजें ढूंढी जिससे मैं ज्यादा एक्टिव रह सकती हूँ। मैंने लिफ्ट यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया और अपने सारे काम खुद से रादर औरों के काम भी करने स्टार्ट कर दिए जिससे मैं ज्यादा एक्टिव रह सकूं। एंड बाय द एंड ऑफ द डे आई वॉज एबल टू बर्न अ लॉट मोर कैलोरीज। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट हैक। ओके, टेल मी समथिंग, डू यू फील मोर गिल्टी आफ्टर ईटिंग अ जंक which you don't even like? So the hack is make sure that the junk is really worth it. So just like you plan your healthy diet, you can also plan for your junk, your treat or your cheat meal. अगर आप वो craving list maintain कर रहे हो तो आपकी cheat meal already ready है और आप make sure करो कि जो भी आप junk या कुछ बाहर का खा रहे हो आपको उसे खा के पूरी तरह satisfaction मिले, आपको guilt भी कम होगा। So be selective and cherish it completely. चलते हैं next hack पे। कई बार हम आधा घंटा, एक घंटा या उससे भी लंबी calls पे जाते हैं और generally ये calls हम अपने couch पे relax करते हुए लेते हैं। बीच में हम position भी बदलते रहते हैं और कई बार ऐसा posture हो जाता है जो हमारी body के लिए सही नहीं होता। Just imagine कि अगर यही calls हम walk करते हुए ले तो कितना benefit होगा? आप सोच सकते हो कि आप आधे घंटे की call में 150 से 200 calories burn कर सकते हो अगर आप उसे walk करते हुए ले रहे हो। एक घंटे की कॉल में आप 400 कैलोरीज बर्न कर सकते हो, मतलब एक पूरे मील की कैलोरीज आप बर्न कर सकते हो सिर्फ अपने फ्रेंड से बात करते हुए। एंड द प्लस पॉइंट इज इट डजंट गेट टायरिंग एट ऑल, कॉल करते हुए, बात करते हुए वॉक करने का पता भी नहीं चलता। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हैक मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो दारू का सेवन करते हैं। यू नो कि बियर के एक पाइंट में 250 कैलोरीज होती हैं और वोडका के एक शॉट में सिर्फ 100 कैलोरीज होती हैं, यहाँ तक कि रेड वाइन के एक ग्लास में भी सिर्फ 120 कैलोरीज होती हैं और साथ में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं क्योंकि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं। सो द हैक इज टू चूज योर ड्रिंक वाइजली एंड नॉट जस्ट योर ड्रिंक, साथ में जो आप उसके स्नैक्स लेते हो वो भी आपको वाइजली चूज करने हैं क्योंकि हम ड्रिंक के साथ जो स्नैक्स लेते हैं उसमें ही वो कई बार फ्राइड होते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं जिसमें ढेर सारी कैलोरीज होती हैं। तो हम 400-500 कैलोरीज तो सिर्फ चखने में ले जाते हैं और उसके बाद दाल मखनी और नान की कैलोरीज अलग। और यहाँ आपके लिए एक टिप, मैं आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताती हूँ जो अगर आप अपनी ड्रिंक से पहले लेते हो तो आपको ड्रिंकिंग के साइड इफेक्ट जैसे कि ब्लोटिंग और डिहाइड्रेशन अवॉइड हो पाएंगे। यू कैन हैव एग्स, ओट्स, बनाना, चिया सीड्स, बेरीज बिफोर यू स्टार्ट योर ड्रिंक। अच्छा, डू यू थिंक दैट ईटिंग योर फेवरेट फूड मेक्स यू फील बेटर? एक्चुअली नहीं। चलो मैं आपको एक बहुत ही मजे का फैक्ट बताती हूँ। इट्स नॉट योर फेवरेट फूड दैट यू ईट विच मेक्स यू फील बेटर, इट्स जस्ट द डिसीजन ऑफ ईटिंग दैट फूड विच स्टार्ट्स मेकिंग यू फील बेटर। मान लो कि आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो और आप डिसाइड करते हो कि मैं पिज्जा खाता हूँ। ये थॉट ही आपको अच्छा फील करवा देते हैं और वो इसलिए क्योंकि पिज्जा खाना आपको पसंद है, पिज्जा आपको अच्छा लगता है। हमारा हैक है कि आप अपने हेल्दी फूड को इस तरह से बनाओ और इस तरह से खाओ कि वो भी आपको उतना ही अच्छा लगे। मेक योर हेल्दी फूड इंटरेस्टिंग। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने हेल्दी खाने को भी इस तरह से बनाऊं, गार्निश करूं और सर्व करूं जिससे उसे भी बार बार खाने का मन करे। हम हमेशा रोटी एंड सब्जी ही क्यों खाएं जब हम उस सब्जी को रोटी के अंदर स्टफ करके, रोल करके, काठी रोल की फॉर्म में खा सकते हैं। तो यू नो, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि हमसे ना डाइट प्लान फॉलो नहीं होता क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर बार हर खाने को इतना तरीके से देख देख के बनाएं। पर मेरे से कैसे हो गया? जस्ट बाय सिंप्लीफाइंग द कुकिंग प्रोसेस। हमने कुकिंग के प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ ना, जबकि हेल्दी मील्स बनाना तो सबसे ज्यादा आसान काम है। आप वन पॉट मील्स बना सकते हो जिसमें अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को सिर्फ एक पॉट में डालो। इससे आपका टाइम और एनर्जी तो बचेगी ही बचेगी, साथ में ऑयल भी कम यूज होगा। मेरी ही इस वीडियो में आपको इतने सारे वन पॉट मील के ऑप्शंस मिलेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टू मेक है। सो इनको ऐसे ही बनाना विदाउट एनी बहाना। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट हैक पे। पहले कहते थे कंपनी मैटर्स, बट नाउ हुम यू फॉलो ऑन सोशल मीडिया मैटर्स। मेक श्योर कि आप सही लोगों को फॉलो करो जो आपको हमेशा एंकरेज करें, इंस्पायर करें हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने में। अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो तो आप सही हैशटैग जैसे कि #health, #fitness, #weightloss फॉलो कर सकते हो। और अगर आपका कुकिंग वीडियोस में इंटरेस्ट है तो इस तरह के चैनल फॉलो करो जो हेल्दी रेसिपीज शेयर करते हैं। यू नो कि आई एम बाओ के यूट्यूब चैनल पे ढेर सारी हेल्दी इंटरेस्टिंग रेसिपीज की वीडियोस हैं। सो उसे आप खुद तो फॉलो करो ही करो, बट स्पेशली अपनी मम्मा के फोन से उसे जरूर फॉलो करो और साथ में बेल आइकन दबा दो सो दैट जैसे ही नेक्स्ट रेसिपी आए उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए एंड देन योर जॉब इज डन। चलते हैं नेक्स्ट हैक पे। कई बार ऐसा होता है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद भी हमारा वेट लूज नहीं हो पाता। हम डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं,
पूरी तरह सब कुछ फॉलो करते हैं मगर फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिलती और इसका रीजन होता है कि हमारी बॉडी हमें सपोर्ट नहीं करती। मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ विटामिंस मिनरल्स की डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के प्रोसेस ठीक से वर्क नहीं करते, डाइजेशन ठीक से नहीं होती, मेटाबॉलिज्म ठीक से वर्क नहीं करता। सो मेक श्योर कि आपकी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी ना हो। व्हेन आई वाज ऑन माय वेट लॉस जर्नी आई स्टार्टेड टेकिंग मल्टीविटामिंस बट नॉट रेगुलरली। सिंस मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर सकती कि आप कौन सा मल्टीविटामिन लो या फिर कितना लो, बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि मैं खुद पर्सनली ऑन एंड ऑफ मल्टीविटामिंस लेती रहती हूं। चलते हैं अगले हैक पे। नाउ दिस कम्स फ्रॉम अ वेरी एंशिएंट सेइंग, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। द हैक इज डू नॉट कीप जंक फूड एट होम। और ये भी मैंने अपनी जर्नी से ही सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि जब पहले मेरे घर में कुछ चिप्स मैगी कोल्ड ड्रिंक्स होती थी तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो बच जाए, इसलिए इन सब चीजों की एंट्री मैंने अपने घर से पूरी तरह बैन कर दी। इनफैक्ट आई स्टॉप बाइंग शुगर फ्रॉम द मार्केट अंटिल आई कंप्लीटली डेवलप द हैबिट टू क्विट शुगर। बट अब मैं अपने घर में सब कुछ रखती हूँ बिकॉज अब मेरा खुद पे सेल्फ कंट्रोल है और मुझे पता है कि कब क्या खाना है। सो द पॉइंट इज डोंट कीप जंक अंटिल यू हैव सेल्फ कंट्रोल। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। Now this is exactly the opposite of our last hack. घर में junk food ना रखना एक ट्रिक है और घर में सिर्फ हेल्दी फूड रखना दूसरी ट्रिक है। So the tip is to keep healthy snacking options around. हम अपने meals को तो manage कर लेते हैं, plan कर लेते हैं, thoughtfully खा लेते हैं, but problem होती है वो 5 बजे वाली भूख में जब हमने कुछ planning नहीं की होती, अचानक से कुछ भी जो दिखता है, जो सामने आता है उसको खा लेते हैं। So मैंने अपनी weight loss journey में सीखा कि किस तरह के healthy snack options मैं अपने घर में हमेशा रख सकती हूँ। So always keep fox nuts, nuts, seeds, peanut butter और आप मेरी healthy snack video को भी refer कर सकते हो। चलते हैं अगले point पे। Just like your diet plan, you should also have one more plan called as your workout plan because you should know कि आज मुझे क्या workout करना है। अगर आप proper workout कर लेते हो तो आप उसको डेज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। अगर आप वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज करते हो तो आप उसमें वो भी मेंशन कर सकते हो कि आज मुझे 1 आवर वॉक करना है, आज मुझे 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक करनी है, आज मुझे रनिंग करनी है, आज मुझे स्टेयर क्लाइंबिंग करनी है, आज मुझे डांस करना है, आज मुझे स्किपिंग करनी है। बट यू कैन लिस्ट डाउन ऑल द एक्टिविटीज, यू कैन प्लान इट बिफोर एंड हैव योर वर्कआउट प्लान। जब मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में पहली बार वर्कआउट करना शुरू किया तो मुझे कार्डियो से आगे कुछ नहीं पता था। बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स आई वॉज लाइक अ प्रो। इट हेल्प्स यू सेटिंग द गोल राइट, अचीविंग योर गोल्स एंड मेकिंग इट अ हैबिट। बिना प्लानिंग के जो हम करते हैं वो सिर्फ मजाक होता है, 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं होता। फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हम जो करते हैं उसी को हम सीरियसली करते हैं, उसी को हम कंसिस्टेंटली करते हैं और वही हमारी हैबिट का एक पार्ट बन पाता है। आई एम वाओ के वेट लॉस प्रोग्राम में भी हम डाइट प्लान के साथ साथ वर्कआउट प्लान भी देते हैं ताकि सभी मेंबर्स को एक्सरसाइज करने की भी हैबिट बन सके और उनके पास एक प्लान हो जिसको वो ठीक से फॉलो कर सके। चलते हैं अगले हैक पे। अगला हैक उसके लिए है जिसको अगले दिन वर्कआउट करने का मन नहीं करता। एक बार करने के बाद इतना थक जाते हैं, बॉडी में एक्स होते हैं, पेन्स होते हैं कि हमारा फिर से वर्कआउट करने का मन नहीं करता क्योंकि हम वर्कआउट को क्लोज ठीक से नहीं करते। हम वर्कआउट के बाद भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाते हैं, उसको अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं जो कि है पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग। और हम ये बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं और हर किसी से देखते हैं कि पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट वाई इज इट इंपॉर्टेंट? पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, पेन्स प्रिवेंट होती है और ये सारे बेनिफिट्स के साथ ही हमारा अगले दिन फिर से वर्कआउट करने का मन करता है, नहीं तो हम गिव अप कर जाते हैं। और इन सब चीजों से ही हमें किसी भी वर्कआउट के बेस्ट रिजल्ट्स अचीव होते हैं। चलते हैं अगले हैक पे। मुझे याद है बचपन में जब हम कोई गेम्स खेलते थे, छुपन छुपाई, पिट्ठू, स्टैपू, गैलरी, तो कुछ टाइम के बाद हम उससे बोर हो जाते थे और उसके बाद या तो हम कोई दूसरी गेम खेलते थे या फिर उसी के अंदर हम वेरिएशंस ऐड करते थे ताकि हमारी गेम चैलेंजिंग रहे और इंटरेस्टिंग बनी रहे। इसी तरह हमें अपनी वेट लॉस जर्नी को भी चैलेंजिंग बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि इसमें भी हम छक्के लगाते रहें। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया? नई नई डिशेस ट्राई करके। मेरा डाइट प्लान फिक्स था, उसमें इंग्रेडिएंट फिक्स थे, क्वांटिटी फिक्स थी, बट उन्हीं को मैंने लेफ्ट राइट करके क्रिएटिविटी के साथ मैंने नई डिशेज इन्वेंट करी। जैसे कि अगर ब्रेकफास्ट में स्पिनच ऑमलेट है और रात को पनीर है तो आई विल टेक स्पिनच एंड पनीर एंड मे बी मेक स्पिनच एंड पनीर कटलेट। सो दिस इज हाउ आई प्लेड अराउंड, आई डिड सम क्रिएटिविटी एंड मेड इट इंटरेस्टिंग। सो ये दिमाग तो आपको भी खुद ही लगाना है। मैंने अपनी फिटनेस और एक्सरसाइज को भी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग बनाया। कैसे? स्टार्टिंग में मेरे से एक भी पुशअप नहीं लगता था। आई चैलेंज्ड मायसेल्फ कि मुझे पुशअप लगाने हैं, लगने लग गए तो 10 करने हैं, 10 होने लगे तो 20 करने हैं, 20 होने लगे तो डायमंड पुशअप, डायमंड के बाद एयर पुशअप। आई केप्ट इट इंटरेस्टिंग, आई केप्ट गोइंग एंड आई
kept creating more and more challenges for myself. And this is what you have to do. चलते हैं next hack पे. आपकी life का कोई भी goal हो, इस एक चीज के बिना वो पूरा नहीं हो सकता. और वो चीज है discipline, जो कि आपका hack नहीं है, सिर्फ एक चीज है. अब discipline को पकड़ के कैसे रखना है, वो करना है task list से, which is your hack. So make your task list of the next day one night before. मैं अपने next day के सारे task सोने से पहले एक task list में लिख लेती हूँ, जिससे मेरा next day ज्यादा productive हो पाता है, ज्यादा discipline हो पाता है, मुझे time मिलता है सारी चीजों को पूरा करने का, वर्कआउट करने का. तो जो भी लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, स्टार्ट मेकिंग योर टास्क लिस्ट एंड सी द डिफरेंस. अब नेक्स्ट हैक मैं बताऊंगी तो आप कहोगे कहना तो आसान है, मगर क्या करें जब मुझे भगवान भी खुद से नहीं आते, उन्हें बुलाना पड़ता है. नींद भी खुद से नहीं आती, उसे बुलाना पड़ता है. और नींद को बुलाने के बहुत सारे तरीके हैं. यू कैन हैव रिलैक्सिंग टीज लाइक मोरिंगा, कैमोमाइल. इनको पीने से आपको अच्छी नींद आती है. आप पिलो मिस्ट यूज कर सकते हो, लैवेंडर, सिदारवुड. ये सारी फ्रेग्रेंसेस आपको नींद लाने में हेल्प करती हैं. आप वाइट नॉइजेस यूज कर सकते हो, जैसे कि वाटरफॉल्स, स्लो वेव्स. ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्लीप देने के लिए. जितनी मर्जी डाइट कर लो, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, जब तक इन छोटी छोटी चीजों को नहीं इंप्लीमेंट करोगे, इन छोटी छोटी चीजों को नहीं मानोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता. सो द नेक्स्ट थिंग इज टू कंप्लीट योर वाटर इनटेक, हैव एडिक्वेट वाटर. अब वाटर इनटेक को पूरा कैसे करना है, इसके क्रिएटिव आइडियाज मैं नहीं, आप मुझे दोगे. कॉमेंट्स में बताओ कि हम किस तरह पानी की इनटेक को पूरा कर सकते हैं. चलते हैं अगले हैक पे. मैंने सुना था कि वेट लूज करना है ना, तो ग्रीन टी बहुत कमाल की चीज है. इसे पीते ही आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है. बट मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं जैसे ही ग्रीन टी लेती थी, मेरी डाइजेशन इतनी फास्ट हो जाती थी कि मुझे फिर से भूख लगने लगती थी. अब वेट लॉस जर्नी में वेट तो लूज करना था, तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ निकाला. आई स्टार्टेड हैविंग ग्रीन टी एज अ लास्ट थिंग बिफोर गोइंग टू बेड. और इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, इसीलिए आज हैक मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ. एक तो सोने से पहले ग्रीन टी लेने से रातों रात बॉडी का भला होता रहा, डाइजेशन होती रही, नेक्स्ट डे वॉशरूम जाने के चक्कर में जल्दी नींद खुलती थी और पानी पीने का मौका बन जाता था. एंड सेकेंडली, इससे नींद भी बहुत अच्छी आती थी. बट मेक श्योर सोने से पहले जो ग्रीन टी या कोई भी हर्बल ड्रिंक आप लो, तो वो डीकैफिनेटेड हो. नेक्स्ट ट्रिक मैंने इंडियन मम्मियों से सीखी है, जो पहले सबको खिलाती हैं और लास्ट में खुद बैठ के खाती हैं. दो, ये कल्चर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट अगर किसी को डाइट कंट्रोल करना हो तो ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है. देखो, खाने का एंड तो हम सबके साथ ही करते हैं, बट अगर स्टार्ट सबसे पहले करते हैं तो हमारी इनिंग्स काफी लंबी खिंच जाती है. और अगर आपकी फैमिली एक आइडियल फैमिली की तरह सब साथ बैठ के खाते हैं, तो आप शुरुआत में सैलेड से स्टार्ट करो और उसके बाद आप अपने मेन कोर्स पे जाओ. एंड गाइस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड ड्यूरिंग माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी एंड दिस हेल्प्ड. चलते हैं नेक्स्ट हैक पे. अगर कुछ एरर हो जाए, कुछ फॉलो ना हो पाए, कुछ मिस हो जाए, कुछ ऐसा खा लो जो नहीं खाना हो, तो इन सब चीजों को करेक्ट करने का सबसे पहला स्टेप है टू फॉरगिव योरसेल्फ. बट देन हाउ टू फॉरगिव योरसेल्फ? फॉरगिवनेस डज नॉट ओनली मीन मूविंग ऑन, क्योंकि ऐसे तो आप हर बार गलती करोगे और हर बार खुद को फॉरगिव कर दोगे. फॉरगिवनेस का मतलब है सबसे पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करना कि हाँ, मुझसे गलती हुई है. उसके बाद उसको एनालाइज करना कि भाई, मुझसे गलती क्यों हुई है. उसके बाद उसके करेक्टिव एक्शंस ढूंढना कि ऐसा क्या करूं कि अगली बार ये गलती ना हो. एंड देन मूव ऑन करना. इसे कहते हैं रियल फॉरगिवनेस, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फॉरगिवनेस. सो गाइस, ये थे आपके 30 हैक्स, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. एक बोनस हैक आपके लिए. यू नो, देयर इज समथिंग इन द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. देयर इज समथिंग इन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि ये आपके कोई भी गोल्स आपको अचीव करवा सकता है. बट इसको यूज कैसे करना है, इसको मैंने यूज किया अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में विजुअलाइज करके. यू नो, मुझे बिपाशा बासु की फिजिक बहुत पसंद थी और मैं उनकी फिटनेस को बहुत ज्यादा एडमायर करती थी. इसलिए इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैंने उनकी पिक्चर को अपने विजन बोर्ड पर लगाया. एंड ट्रस्ट मी, मुझे इससे बहुत हेल्प मिली. सो आई हैव द सेम टिप फॉर यू कि अगर आपको किसी की भी फिटनेस, किसी की भी फिजिक पसंद है, तो आप भी उसको अपने विजन बोर्ड पे लगाओ. मे बी आप अपनी खुद की ही कोई पुरानी पिक्चर, आप जैसा बनना चाहते हो उसको अपने विजन बोर्ड पे लगा सकते हो. बट ये विजन बोर्ड क्या है भाई, इसको कैसे बनाना है? इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू मेक योर ओन विजन बोर्ड विच कैन हेल्प यू अचीव एनी गोल, ट्रस्ट मी, एनी गोल इन योर लाइफ, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. तो गाइज, ये थे 30 हैक्स प्लस वन बोनस हैक, जो मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से, अपने एक्सपीरियंस से निकाल के आज आपके साथ शेयर किए हैं. हो सकता है कि इनमें से कोई हैक आपको सेंस ना भी बनाए, बट वो मेरे अपने एक्सपीरियंस से थी. ये सभी चीजें जिन्होंने मुझे हेल्प किया, एंड आई बिलीव कि आप में से भी बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हैं. आपको सबसे अच्छा और सबसे काम का हैक कौन सा लगा, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना. अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो गो अहेड एंड सब्सक्राइब. इस तरह की वीडियोस मिस नहीं करनी चाहिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. फिट रहो, हिट रहो.